तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जब भी आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं अपना, तो उसमें आपको दो फोटोज मांगते हैं। एक जो फोटो है डीपी के लिए छोटा सा फोटो होता है, एक जो कि बैनर साइज फोटो होता है, जो कि फोटो के बगल में मतलब कि पीछे की तरफ होता है बड़ा सा। तो बहुतों को बैनर नहीं बनाना आता है कि किस तरीके से बैनर बनाया जाता है। उसका फायदा होता है कि बैनर जब भी आप अपने चैनल पर लगाएंगे तो देखने में बहुत ही झकास लगता है, मतलब एकदम बवाल लगता है देखने में। तो जब आप भी अपने चैनल पर अपना बैनर लगा देंगे तो जो भी कोई आपका चैनल ओपन करेगा तो उसको देखने में बहुत ही झकास लगेगा आपका चैनल। तो किस तरीके से एक प्रोफेशनल और एक झकास बैनर बनाया जाता है, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहेगा अंत तक। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से एक अच्छे और प्रोफेशनल बैनर बनाया जाता है अपने यूट्यूब के लिए। ज़्यादा हार्ड प्रोसेस नहीं है, बस इजीली है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले आपको अपना पिक्सल ऐप एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऊपर 3 डॉट दिख रहा होगा, उसको आपको टैप कर देना है। उस पर टैप करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ से इमेज साइज में आ जाना है। इमेज साइज में आने के बाद आपको यहाँ से इमेज साइज सेलेक्ट करना है, यहाँ पे कस्टम पे यहाँ क्लिक करना है। यहाँ से आपको यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक कर देना है, इसको ओके कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर जो दिख रहा होगा प्लस वाला आइकन, आपको उसको टैप करना है। उस पर टैप करने के बाद आपको आना है फ्रॉम गैलरी में। तो यहाँ से हमने कुछ PNG डाउनलोड करके रखे हुए हैं, उसी को आपको यहाँ पर लगाना है। तो सारे PNG का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ से वो PNG हम ले लेते हैं। तो ये वाला PNG अभी हमको लेना है, तो यहाँ से इस PNG को रख लेते हैं। कुछ इस तरह के तरीके से इसको पूरे में इसको एडजस्ट कर देना है। इस तरीके से एडजस्ट करने के बाद आपको इसको यहाँ से कलर चूज कर लेना है। इसका कलर जो है इसको ग्रीन कर देना है, इस तरीके से कुछ। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है इस वाले आइकन पर, और यहाँ से इसको जाकर लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद हमें वापस इस पर आ जाना है। इसके बाद आपको आना है यहाँ पे सेंटर वाले पे। यहाँ पे आने पे जो शेप लिखा है उस पर क्लिक करना है। शेप पे आने के बाद ये जो है रेक्टेंगल वाला शेप आपको इसी को लेना है, और इसको कुछ ऐसे तिरछा कर देना है। यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर देना है, कुछ ऐसा इसको एडजस्ट कर देना है, कुछ इसी तरीके से इसको एडजस्ट करने के बाद आपको इसको टू बैक कर देना है, इस तरीके से कुछ। इतना करने के बाद आपको इसको भी लॉक करके रख देना है, यहाँ से इसको भी लॉक कर देना है। इसके बाद एक और इमेज है जो कि हम डाउनलोड किए हैं, उसको भी यहाँ से ले लेते हैं फ्रॉम गैलरी में से जाकर। यहाँ से इसको भी हम उठा लेते हैं, किधर गया ये वाला, इसको भी कुछ इस तरीके से क्रॉप कर लेना है आधा में, और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसका साइज़ को बढ़ा देते हैं कुछ इस तरीके से, इसको भी कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर देते हैं, ऐसे थोड़ा कुछ इस तरीके से इसको भी एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्ट करने के बाद इसका जो कलर है उसको हम चेंज करेंगे। यहाँ से कलर में आएंगे, यहाँ से इसको ऑन करेंगे, यहाँ से कलर इसका येलो कर देंगे, कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेंगे, इतना रखना चाहते हैं इस तरीके से। इसके बाद फिर ओके कर देंगे, और इसको फिर हम कर देंगे टू बैक इस तरीके से। तो इस तरीके से कुछ इसको भी एडजस्ट हो गया, तब इसको भी हम इसे लॉक कर देते हैं। इतना करने के बाद आपको अब अपने चैनल का लोगो लेना है। तो यहाँ से आएंगे फ्रॉम गैलरी में, यहाँ से आप अपने चैनल का लोगो लेंगे, यहाँ से लोगो सेलेक्ट कर लेंगे। लोगो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जो सर्कल दिख रहा है कॉर्नर में, इसको सेलेक्ट करेंगे। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद कुछ सर्कल को इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, कुछ इस तरीके से इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसका साइज को हम छोटा कर देंगे, साइज को छोटा करके इसको हम यहाँ पे ऐसे बैठा देंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से इसको बैठा देंगे। बैठाने के बाद इसको कुछ सेटिंग कर देंगे, इसका जो शैडो है इसको बढ़ा देते हैं, वो ऑन कर देंगे कुछ। तो यहाँ से ब्लर रेडियस कम कर देंगे एकदम से, यहाँ से ऑफसेट एक्स को थोड़ा बढ़ा देंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद यहाँ से जो है स्ट्रोक है इसका, यहाँ से स्ट्रोक के इसको हम ऑन कर देते हैं, इसको स्ट्रोक के ब्लू कर देते हैं। जो कलर रखना होगा आपको जो अच्छा लगेगा उसको आप रख दीजिएगा, जो कि देखने में आपको अच्छा लगे, कुछ इस तरीके से इसको सेटिंग कर देंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद फिर आपको जाना है फ्रॉम गैलरी में। यहाँ से प्लस वाले आइकन से फ्रॉम गैलरी में आएंगे, यहाँ से एक और अपना लोगो उठाएंगे, ये वाला लोगो को हम यहाँ पे इसको ऐसे कुछ करके इसको क्रॉप करके यहाँ लगा देते हैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके। आप देख लीजिएगा आपके इतना में आपको अच्छा लगता है, जैसा बता रहा हूँ वैसा कीजिएगा, आपको और अच्छा लगेगा, कैसे इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। इतना करने के बाद इसी को एक और लेते हैं, इसी को एक बार फिर से इस तरफ लगाने के लिए फिर जाते हैं अपनी इमेज में, यहाँ से स्कोर लेते हैं फिर से, इसको फिर यहाँ से उल्टा कर देंगे, इधर कर देंगे इस तरफ, यहाँ से ये आ गया, इसको हम इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। इसका फिर कलर हम चेंज कर देते हैं येलो, कुछ इस तरीके से, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगा अब इस तरीके से। इतना करने के बाद अब आपको अपने चैनल का नेम लिखना है, तो यहाँ चाहेंगे टेक्स्ट में यहाँ पे एडिट करेंगे। यहाँ पे आपको अपने चैनल का नाम लिखना है, तो यहाँ पे हम अपने चैनल का नाम लिखते हैं। यहाँ पे आने के बाद इसको कुछ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा इस तरीके से, जितना रखना चाहते हैं। उसके बाद इसको यहाँ से कुछ एडिट कर दीजिएगा, इसको यहाँ पर शैडो बढ़ा देंगे, ऑन कर देंगे शैडो में जो रखना है, जिस तरीके से बढ़ा देंगे शैडो भी। इसका जो अगर फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से,
कुछ अपना फ़ॉन्ट लगा दीजिएगा, जो चाहते हैं वो फ़ॉन्ट यहाँ पे आप चूज कर लीजिएगा। इस तरीके से फ़ॉन्ट आप चूज कर लीजिएगा अपना, और यहाँ पे आकर सबको लॉक कर दीजिएगा कुछ इस तरीके से। लॉक करने के बाद आपको एक कुछ और जो PNG हम डाउनलोड किए हैं उसको हम लगा देते हैं यहाँ पे, जो कि देखने में और भी अच्छा लगेगा। तो किस तरह यहाँ पे एक और PNG इसको हम ले लेते हैं, यहाँ से इसको भी लगा देते हैं, इसको साइज छोटा करके इसको यहाँ पे फिट कर देते हैं ऐसे इस तरीके से। और इसका हम जो कलर है उसको चेंज कर देते हैं, जो कि देखने में हमको पता चले जो रखना चाहते हैं कलर उसको आप रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसके बाद फिर से आएंगे टेक्स्ट में, एक और चीज़ यहाँ पे लिख देंगे, तो हम लिखना चाहते हैं फॉलो मी हियर, फॉलो मी हियर सब लिख देंगे इसको। इसका साइज को छोटा करके यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ पे इसके ऊपर, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इसका भी कलर आप चेंज कर दीजिएगा यहाँ से, इसका भी कलर आप ब्लू चाहे येलो जो भी अच्छा लगेगा ऐसे सब चूज कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, एक और PNG हम डाउनलोड किए हैं शेडो वाला, उसको भी हम लगा देते हैं जो कि और अच्छा लगेगा देखने में। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं वो वाला भी, यहाँ से इसको हम ले लेते हैं किधर के कुछ इस तरीके का है, तो इसको हम ले लेते हैं यहाँ से आके इसको हम अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं हिसाब से, इसको कुछ इस तरीके से लेवल मिला के इसके अंदर आपको इसको पोस्ट कर देना है, सेव कर देना है कुछ इस तरीके से बनाकर आपको इसके अंदर में ही। तो कुछ इस तरीके से आपको भी इसको एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद क्या करना है कि इसको भी लॉक कर देना है आपको। लॉक करने के बाद आपको सबको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आपको जो ये जो है आपको दिख रहा होगा ये वाला, आपको इसको अनलॉक कर देना है। अनलॉक करने के बाद आपको यहाँ से इसको डिलीट कर देना है, यहाँ से अनलॉक करके इसको यहाँ से आपको डिलीट कर देना है। जैसे आप डिलीट करेंगे तो आप देख सकते हैं किस तरीके का एक अच्छा बैनर बन के हमारे सामने आ गया, कुछ इस तरीके का इसका दिखेगा फेस, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है एक बैनर की तरह। अगर आप इसको मोबाइल से पोस्ट देखेंगे पोस्ट करके तो आपको जो दिख रहा होगा सेंटर में ये पूरा आपको पोस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड आप भी इसी तरीके से आप भी अपने चैनल के लिए एक अच्छी और अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल बैनर बना सकते हैं, जैसे हमने आपको सिखाया है, जो कि देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। तो अगर हमारे बनाए हुआ बैनर अगर इतना सा भी अच्छा लगेगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं हमेशा करता हूँ आपके लिए। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।